नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीएल कुमार। आज अपन सॉल्व करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमएससी एनजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 का पेपर, जो प्रवेश के लिए या एडमिशन के लिए इसका पेपर लगता है और ये जनरल एग्रीकल्चर से आता है। ओवरऑल बीएससी एग्रीकल्चर का कंप्लीट सिलेबस लगभग उसी के एटपार इसका सिलेबस होता है और पेपर में क्वेश्चंस किस तरह का आते हैं अपन 2020 के पेपर को देखते हुए अपन चेक करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मस्टर्ड साफ लाई लेग लेज ऑन। ऑप्शन आते जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉइल्स, पेट्योल्स, फ्लावर बर्ड एंड लीप मार्जिन। तो जो मस्टर्ड साफ लाइज होती है वो लीप मार्जिन पर अपने अंडे देती है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिशमेंट इन 1958। ये हापुड़ में स्थित है। रेयरिंग ऑफ स्टिंगलेस बीज, स्टिंगलेस बीज की पालन करना क्या कहलाता है? मेली पोनी कल्चर, ओके, और एपिकल बी कल्चर, ये मधुमेह की पालन होता है। फोजोरियल लेग्स, फोजोरियल लेग्स आर फाउंड इन मॉल क्रिकेट इंसेक्ट होता है उसके अंदर फोजोरियल लेग्स पाई जाती है। लीची एरेनियम माइट्स बिलोंग टू दी फैमिली, लीची एरेनियम जो माइट्स होता है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एरीफाइटिडी, एरीफाइडी फैमिली से बिलोंग करता है। वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल का जो लिटिल लीफ रोग होता है उसका वेक्टर कौन है, वाहक कौन है? तो उसका वाहक लीफ माइनर होता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्रीसाइड्स, एक्रीसाइड्स, एक्रीसाइड कौन सा नहीं है? डाइकोफॉल, फेनोक्सोक्साइड, स्पायरोस्पिन, एसिटामिप्रीड। एसिटामिप्रीड है जो एक्रीसाइड का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे डाइकोफॉल, एम्बोफिलिन ऑक्साइड, स्पायरोमेसिफेन, ये सारे एक्रीसाइड्स के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 अपना, पोलन बीटर, पोलो बीटल इज ए मेजर पेस्ट। पोलो बीटल किसका मुख्य पेस्ट है? तो ये पेपर का पेस्ट होता है, या कार्डामोन का होता है, या टर्मेरिक का होता है, या जिंजर का होता है। तो पेपर का ये इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है। अगला प्रश्न, टी सेप्ट मार्केट ऑन मार्केबल साइज मैंगो फ्रूट्स इज ए सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय। टी सेप्ट मार्किंग का जो सिम्टम्स होते हैं वो मैंगो में कौन से इंसेक्ट की वजह से होता है? नट वीविल से होता है, फ्रूट बोरर से होता है, मिथ से होता है, फ्रूट फ्लाई से होता है। तो ये जो टीसेप मार्किंग हुआ ऑन मार्बल साइज मैंगो फ्रूट्स में होता है, फ्रूट फ्लाई के सिम्टम्स होते हैं। ऐसा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर हैज स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट, स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट कौन से इंसेक्ट में पाया जाता है? तो लेपिडोप्टेरा में पाया जाता है। फेनोक्सी कार्प इज, फेनोक्सी कार्प क्या है? ये जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग है, जुवेनाइल हार्मोन एनालॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉक्सिनल इंसेक्ट प्रोड्यूस्ड क्रिप्सोन कलर डाई विच इज, फॉर्मिक एसिड होता है, या कार्मिक एसिड होता है, या लिपोर्निक होता है, लोरिक एसिड होता है? वो कार्मिनिक एसिड होता है, कार्मिनिक एसिड होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रस्ट डिजीज कॉजिंग फंगल जीनस, रस्ट कौन सी फंगल से जीनस से होता है? यूरोमाइसिस से होता है, यूरोमाइसिस। द कॉमन सिम्टम्स कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन, फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन जो होता है वो कॉमन सिम्टम्स किसका है? तो फाइलोडिक। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, हु एस्टेब्लिश्ड फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस एज द कॉजल एजेंट ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो जो फाइटोफथेरा इन्फेस्टेंस से होता है, ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? एंटोन डी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजीसाइड इज सिस्टेमिक इन नेचर, सिस्टेमिक इन नेचर, डाइथेन M45। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन प्रोड्यूस जूस स्पोर्स, जूस स्पोर्स कौन सा पैथोजन प्रोड्यूस करता है? एग्जाम्पल पीथियम एफेनडर्मेटम, पीथियम एफेनडर्मेटम। अगला प्रश्न, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ सोलेनेसी क्रॉप्स इज कॉज्ड बाय, सोलेनेसी क्रॉप्स में बैक्टीरियल विल्ट कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म होती है? रालस्टोनिया सोलेनेसीरम, रालस्टोनिया सोलेनेसीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस टुंग्रो बेसिलीफॉर्म वायरस इज ट्रांसमिटेड, राइस टुंग्रो वायरस होता है जो ग्रीन लीफ होपर से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, पनामा विल्ट ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय, फ्यूजोरियम ऑक्सिस्पोरम स्पीसीज क्यूबेंस, फ्यूजोरियम ऑक्सिस्पोरम स्पीसीज जो सुबेंस से पनामा विल्ट बीमारी फैलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फंगल माइकंट्रोल बायो कंट्रोल एजेंट इफेक्टिव अगेंस्ट द सोइल बोर्न पैथोजेंस। सोयल बोर्न पैथोजन जो है उसको उसके लिए इफेक्टिव कंट्रोल कौन सा है, तो ट्राइगोडर्मा हार्जिनियम, ट्राइगोडर्मा हार्जिनियम इज द बेस्ट एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लूज मट ऑफ वीट पैथोजन इज इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लूज मट ऑफ वीट पैथोजन इज इंटरनल सीड बोर्न। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पैथोजन ऑफ द लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ डिजीज इन प्लांट्स। ऐसा कौन सा पैथोजन जो स्ट्रक्चर ऑफ पैथोजन है जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है या उस डिजीज को फैलने के लिए, तो डोरमैन हाइपी प्रेजेंट इन ट्यूबर्स स्टोरेज इन कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में स्टोरेज के लिए वो उसके अंदर डोरमेंसी फॉर्म में रहता है, जैसे आप सोविंग करोगे उसकी तो वो क्रॉप के अंदर लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो स्प्रेड आउट होता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द टीलियस फॉर ऑफ पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रीट्रीसाई इज टू सेल्ड होता है। पक्सिनिया ग्रेमिनिसाइज का जो टीलियस फोर्स होता है वो टू सेल्ड होता है, दो कोशिका युक्त होता है। फ्रूट हैविंग फीट इन वाटर एंड हेड इन फायर डेड पाम, मतलब ऐसा फल कौन सा है जिसके पांव जमीन पानी में हो और सिर आग आग में हो, तो खजूर, क्योंकि इसकी ज़्यादा लंबाई होती है और ये मरुस्थल में भी उगता है तो इसका जो फ्रूट है वो बहुत ऊंचाई पे आता है, इस कारण इसको इसलिए बोलते हैं कि फीट इन वाटर एंड हेड इन फायर। द बॉटनिकल फॉर्म ऑफ कीवी इज बेरी। बिसोफ इज द वेराइटी ऑफ, ये क्वेश्चन पिछली बार डिलीट कर दिया गया था क्योंकि बिसोफ दो तीन क्रॉप की वेरायटी है इनमें से, इसलिए इसको ज़्यादा मीन्स बी एच यू में वहाँ आंसर के अनुसार। ग्रेनुलेशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम इन सिट्रस के अंदर, ग्रेनुलेशन एक डिसीज होती है वो सीरियस प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है अपना अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक ऑफ एप्पल। एप्पल का अल्ट्रा ड्वार्फ फ्रूट स्टॉक कौन सा, M27। विग्ना अनगुइक्लाटा इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, विग्ना अनगुइक्लाटा बॉटनिकल नेम है, काउपी का है ये। श्रीकीर्ति इज द वेराइटी, श्रीकीर्ति इज द वेराइटी ऑफ ग्रेटरिया, ग्रेटरियाम की ये वैरायटी है। अगला रूट नोट नेमेटोड रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ टोमेटो, टोमेटो की जो सिलेक्शन 120 पूसा ओपार, ये दोनों वैरायटी रूट नेमेटोड है इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। अगला लीक इज ग्राउंड फॉर ब्रांच्ड स्टेम एंड लीव्स, ब्रांच्ड स्टेम एंड लीव्स। रासा पूसा राजश्री इज वैरायटी, पूसा रसराज इज द वैरायटी ऑफ हाइब्रिड मस्कमेलन, पूसा रसराज इज वेराइटी ऑफ, पूसा रसराज किसकी किस्म है, मस्क मेलन की हाइब्रिड वेराइटी है। क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं, सोनार बंगला इज द वेराइटी ऑफ क्राइसेंथेमम, सोनार बंगला किसकी किस्म है, क्राइसेंथेमम की। स्लीपीनेस इज द एसोसिएट विथ, स्लीपीनेस किससे संबंधित है, कार्नेशन फ्लावर से संबंधित है। विच पोजिशन ऑफ द कोडोन इज सेड टू बी वोवेल, थर्ड पोजिशन होती है उसको वोवेल के नाम से जाना जाता है। ए कंडीशन वेयर इज द प्लांट सोमेटिक क्रोमोसोम इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीप्लाई ऑफ हैप्लोइड सेट इज नॉन एच, ऐसे कौन से जो क्रोमोसोम है जो मल्टीप्लाई की जो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आते उनको एन्यूप्लोइडी बोलता है, एन्यूप्लोइडी बोलते हैं। 39 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, द फिनोमिना ऑफ म्यूटेशन वेयर एडिनिन बेस इज म्यूटेंट टू द थायमिन बेस इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। जो ऐसा फिनोमिना या ऐसी घटना है जो एडिनिन बेस है जो वो म्यूटेंट होता है थायमिन के ऊपर उसको ट्रांसवर्जन बोलते हैं। साइनाप्सिस बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोजोम अक्यूरिंग इन जायगोट, ए ब्रीडिंग मेथड इन सेल पोलिनेटेड क्रॉप्स वेयर मेनी डिजायरेबल प्लांट्स ऑफ सिमिलर फिनोटाइप्स आर सेलेक्टेड एंड देयर सीड्स आर मिक्स्ड टू कंस्टिट्यूट ए न्यू वेराइटी इज नोन एज द मास सेलेक्शन। मास सेलेक्शन में ऐसे ही करते हैं, सारे जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है उनके जो ट्रैक उनके जो प्लांट्स होते हैं उनको सिमिलर फिनोटाइप्स वालों को उससे चेक आउट करते हैं सीड में से, जो प्लांट अच्छा दिखता है उसका फिनोटिपिक रूप से या फिर उसका यील्ड पोटेंशियल के हिसाब से, तो उसे मास सेलेक्शन मेथड से उस वैरायटी को सेलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रिकरेंट सेलेक्शन मेथड मोस्ट सुटेबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टू पॉपुलेशन साइमल्टेनसली फॉर हाइब्रिड डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिकरेंट सेलेक्शन फॉर SCA। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ओकाजाकी फ्रेगमेंट रेफर टू,
ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस सिंथेसाइज्ड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। हाउ मेनी फिनोटाइपिक क्लास इज पॉसिबल इन एफ टू इफ टू जीनस एक्सप्रेसिंग को डोमिनेंस इन एफ वन सेग्रेट इंडिपेंडली। कितने फिनोटाइपिक क्लास पॉसिबल है एफ टू पीडी में जब दो जीन एक्सप्रेस करेंगे को डोमिनेंस इन एफ वन सेग्रेंट इंडिपेंडली, तो कम से कम 16 जीन इसका आंसर आएगा। The concept of multi-line varieties was given by, multi-line variety का concept कौन से वैज्ञानिक ने दिया, जेनसन 1952। अगला प्रश्न, which one of the following is true about orientation of two standard of DNA? Two standard DNA के लिए कौन सा जो है जो true है, anti-parallel to each other, ये एक दूसरे के anti-parallel होता है, ठीक है, ध्यान रखना पैरेलल नहीं होता है, डीएनए का जो टू स्ट्रैंड होता है वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ ग्वानिन बेस इज 35% इन डीएनए देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एडिनिन बेस, 15%, दोनों इन मॉलिकुलर असिस्टेंट बैक क्रॉस ब्रीडिंग द बैकग्राउंड सेलेक्शन रेफर टू, मॉलिकुलर असिस्टेंट में बैकग्राउंड जो ब्रीडिंग होती है उसमें बैकग्राउंड सेलेक्शन किससे क्या होता है, मीन्स उसको किससे रेफर करता है या बैकग्राउंड सेलेक्शन होता क्या है, यह रिकवरी ऑफ रिसेप्टर जीनोम्स होते हैं, रिसेप्टर जीनोम होते हैं उसकी रिकवरी होती है। अगला क्वेश्चन आता है अपना, आइडेंटिफाई द प्लांट विच बिलोंग टू द क्रेसुलियम एसिड मेटाबोलिज्म, कैम प्लांट शॉर्ट में ऐसे को बोलते हैं, कैम प्लांट कौन सा है, तो पाइनएप्पल इसका उदाहरण है। What is the अगला प्रश्न, what is the absorption peak of phytochrome PFR, what is the absorption peak of phytochrome PFR, तो 730 nm पर इसको एब्जॉर्ब करता है। Which hormone is related to coconut milk, coconut milk से कौन सा हार्मोन रिलेशन रखता है या किससे, वो तो साइटोकिनिन हार्मोन होता है वो होता है। आंसर, विच प्लांट इज द लोवेस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट, लोवेस्ट रेट फोटोसिंथेसिस किस में होता है, इसमें जो लोवेस्ट रोट है जो ब्रायोफाइलम भी अपन नहीं बोल सकते, सनफ्लावर मेज वीट, इनमें वीट में सबसे आई थिंक ज़्यादा होना चाहिए, जो प्लांट शॉर्ट डे प्लांट होता है शॉर्ट डे प्लांट उनका कम होगा, जो लेट डे प्लांट होती है उनकी फोटोसिंथेसिस रेट हायर होती है तभी उनका एयर पोटेंशियल अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 53, विच सीड एज द एपिजेल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, एपिजेल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है, कैस्टर्ड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच एमिनो एसिड बिलोंग टू द एसेंशियल एमिनो एसिड ग्रुप, ऐसा कौन सा एमिनो एसिड है जो एसेंशियल एमिनो एसिड से बिलोंग करता है, तो लाइसिन। पोटैटो ट्यूबर इज साइंटिफिकली कॉल्ड, पोटैटो ट्यूबर को वैज्ञानिक रूप से क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एल्कोहल फ्रॉम पाइरुवेट ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जो एल्कोहल बनता इथेनॉल या एल्कोहल बनता पाइरुवेट से वो रेस्पायरेशन के दौरान, वो कौन सा रेस्पायरेशन होता है, एनएरोबिक रेस्पॉन्स होता है, विदाउट एयर या ऑक्सीजन के जो रेस्पायरेशन होता है उस टाइम पे पाइरुवेट से एल्कोहल का फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल्स इज ग्रुप्ड अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, प्रोटीन सिंथेसिस कौन से ग्रुप में होता है, फाइटोक्रोम रिमेडिएशन प्रोसेस में, फाइटो रिमेडिएशन प्रोसेस है। व्हाइट ब्लड ऑफ मैच, खेरा डिजीज ऑफ राइस विथ स्टंटेड ग्रोथ ऑफ मैच एंड राइस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, खेरा डिजीज और व्हाइट ब्लड ऑफ मैच जिंक की कमी से होता है। सेल डिवाइड ऑफ वाटर इज कॉल्ड टर्जिड सेल, सेल डिवाइड ऑफ वाटर कौन सी कोशिका में होता है, टर्जिड सेल में। 5 mg यूरिया डिजोल्ड इन 1 liter विल बी द हाउ मेनी पार्ट्स पर मिलियन, 5 ppm, वन आंसर 1 gram इन 1000 liter इज इक्वल टू 1 ppm और 1 mg इन 1 liter इज इक्वल टू 1 ppm देन 5 mg इन 1 liter इज इक्वल टू 5 ppm, 5 ppm इज द करेक्ट आंसर। इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग वाज प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट होवार्ड, हर्बिसाइड ऑफ यूरिया डेरिवेट्स, हर्बिसाइड ऑफ यूरिया डेरिवेट्स, यूरिया ग्रुप का कौन सा हर्बिसाइड है, आइसोप्रोपियन, जो सिमाजिन और एट्राजिन है वो एक ग्रुप के हैं और 2,4-D फिनाइल ग्रुप से हैं, तो आइसोप्रोपियन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिफ्लेक्टेड टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट, रिफ्लेक्टेड टाइप एंटी ट्रांसपेरेशन कैवोलिन इज द करेक्ट आंसर। सोइल पोलिनेशन पी इज ओपन कोडेस, सोइल सॉरी सोइल पोल्यूशन नहीं, सोइल सोल्यूशन पी इज ओपन कोड। सोइल सोल्यूशन में पी क्या होता है, पी को इंटेंसिटी फैक्टर से शो करते हैं। पी फर्टिलाइजर फॉर हायर एफिकेसी इन मैच क्रॉप इज अप्लाइड एट सिल्किंग स्टेज, क्योंकि सिल्किंग स्टेज पे उसके एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होता है ज़्यादा, तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, इसलिए मक्के में सबसे ज़्यादा मीन्स जो या फास्फोरस फर्टिलाइजर की हाई एफिकेसी होती है वो सिल्किंग स्टेज पर होती है। इन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एज ऑफ सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग 8 to 15 दिन। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के बारे में दो तीन लाइन और देखते हैं। इसमें सीड रेट 5 से 6 kg पर हेक्टेयर रखते हैं। हेनरी डी लुले साइंटिस्ट ने इसको सर्वप्रथम बताया था 1983 में मेडागास्कर कंट्री में, और इसकी जो सोविंग होती है वो स्क्वायर मेथड से करते हैं। 25 बाई 25 रखो चाहिए 35 बाई 35 सेंटीमीटर पे रखिए, ठीक है। तो इससे पानी की बचत होती है, खरपतवार के लिए समय मिल जाता है आपको, और ईड आपकी 5 से 10% या कई बुक में आपको 10 से 15% ईड इंक्रीज होती है नॉर्मल सोविंग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। रेशो बिटवीन वेट ऑफ वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशो बिटवीन, या इसको 100 रेशो भी बोल सकते हो। वाइट बर्ड ऑफ मैच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ, जिंक। सक्सम इज ए इम्पोर्टेंट वेराइटी, सक्सम इज द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ जापानीज मिंट, पुदीने की वेराइटी है। द सीड रेट ऑफ टीपीएस ट्रू पोटेटो सीड की बीज दर 100 से 150 ग्राम रखते हैं। नाइट्रोजन एंजाइम हैज आयरन एंड मोलिब्डेनम इन द रेसो, नाइट्रोजनेज एंजाइम में आयरन और मोलिब्डेनम का रेसो नहीं होता, FeMO का रेसो होता, आयरन और FeMO का जो रेसो होता है वो इन दोनों में से इसका नहीं है आंसर, इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया। सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म पोस्ट बाय द बीडेन फिलोसा इज एडेसिव सीड्स एंड फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर इच इज द फ्लूड पोर्शन ऑफ मिल्क माइनस फैट ग्लोबस ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्कीम मिल्क, मिल्क प्लाज्मा इज द फ्लूड पोर्शन ऑफ मिल्क माइनस फैट ग्लोबुलस ऑलमोस्ट सिमिलर टू द स्कीम मिल्क के बराबर होता है। क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ मिल्क फॉर हीट प्रोसेसिंग, क्लॉट टेस्ट हीट प्रोसेसिंग की सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम ऑब्लिक फास्फोरस रेशो इन बफेलो मिल्क 1.40, कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशो होता है गाय भैंस के दूध में 1.40 होता है। रेट ऑफ जेनेटिक चेंज ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू सेलेक्शन आर डिटरमाइंड बेसिकली बाय हेरिटेबिलिटी, मतलब आपकी जो जेनेटिक चेंज का जो रेट होता है वो अगर सेलेक्शन बेस्ड जिसको वरण बोलते हैं उसके बेसिकली उसमें डिटरमाइन करते हैं या उसका ऑब्जर्व करते हैं, तो वो अपना हेरिटेबिलिटी को देख के करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ग्रेविटी मेथड ऑफ क्रीम सेपरेशन, कौन सा सही है ग्रेविटी मेथड के लिए, तो वेलोसिटी ऑन रेट एट विच फैट ग्लोबुलस राइज इंक्रीज एज रेडियस ऑफ फैट ग्लोबुलस डिक्रीज, ये आपका राइट आंसर रहेगा, बाकी सारे तीनों गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट इज द हाईएस्ट डेंसिटी केजी पर मीटर, सुक्रोज की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है बाकी की तुलना में। क्वेश्चन नंबर 80 ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मेसोफिलिक बैक्टीरिया, मेसोफिलिक बैक्टीरिया के लिए 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है। मेरी ब्रीड ऑफ पोल्ट्री, पोल्ट्री की मेरी ब्रीड कहाँ से बिलोंग करती है, आसाम में पाई जाती है। ए जनरल रूल ऑन फीडिंग कंसंट्रेशन पर 2 to 3 liter ऑफ मिल्क, एक 2 से 3 liter गाय अगर दूध देती है तो उसको कितना फीडिंग के लिए कंसंट्रेट देते हैं, तो 1 kg कम से कम। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ लूज है शुड बी इन द रेंज ऑफ, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ लूज है में 19 से 22% आपका मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फॉर लूज हेयर शुड बी इन रेंज ऑफ परसेंट 19 से 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना चूज द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट एक भी नहीं था तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया, पिछली बार इसको भी हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बींग अन इन्वॉल्व एंड फीलिंग लीव मी अलोन इन द नेचर स्टाइल ऑफ द लीडर,
लेजीज फेरेज ऑफ द स्टाइल ऑफ द लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि इन द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ अडॉप्टेशन शुड बी AIETA, ए इज द असर्टेशन एंड आर इज द रीजन, तो विच इज द राइट, मीन्स रिस्क विच इज एन अनसर्टेन सिचुएशन अबाउट फ्यूचर विच इंटीमेटेड एंटरप्रेन्योर टू अकम्प्लिश हिज और हर विजन। ए इंडिविजुअल हु विश टू द एंटरप्रेन्योर शुड बी एक्सेप्ट मॉडरेटर, मीन्स बोथ ए एंड आर करेक्ट है, आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, बोथ आर दी सेम टाइम साइट, ए और आर दोनों सही है बट आर है जो ए की अच्छे से व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टेटमेंट एन एंटरप्रेन्योरशिप इज वन हु एक्सप्लॉयट अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएट्स नीड इन सोसाइटी थ्रू विच दे क्रिएट द पाथ। ए बिजनेस मैन जनरली अननोटिस द अपॉर्चुनिटी हैंस द फॉलोइंग बट सेटिस्फाई नीड ऑफ पीपल इन सोसाइटी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, मीन्स एन एंटरप्रेन्योरशिप इज वन हु एक्सप्लॉयट अपॉर्चुनिटी, सारी अपॉर्चुनिटी का यूज करता है क्रिएट नीड इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी को आवश्यकता होती है थ्रू विच द क्रिएट द पाथ, और एक क्या बोल सकते हैं उसको पद चिन्ह बना लेता है। ये स्टेटमेंट आपका राइट है, एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा ही गुण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ग्रो मोर फूड कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉबैक ऑफ गुड़गांव प्रोजेक्ट वाज विलेज पीपल वर नेवर मेट द प्रोग्राम प्लानिंग फॉर देम। ये एक क्या गुड़गांव प्रोजेक्ट का ड्रॉबैक रहा जिसे, या क्या बोल सकते हैं इसका कमी रही है जिसे कि गाँव के लोग उसको देख के उस प्रोग्राम की प्लानिंग नहीं करते। दूसरा, ड्यू टू द विच प्रोग्राम कुड नॉट डेवलप लीडरशिप अथॉरिटी वाज एक्सरसाइज ऑन द पीपल रेदर देन द मॉनिटरी वॉलंटियर पार्टिसिपेंट। तो बहुत स्टेटमेंट ये करेक्ट है आपका। दूसरा जो स्टेटमेंट बोलता है कुड नॉट डेवलप लीडरशिप अथॉरिटी वाज एक्सरसाइज ऑन पीपल रेदर देन द मॉनिटरी वॉलंटियर पार्टिसिपेशन। In Indian context, meaning of the term extension is referred to the technology, while in USA it is extension is the transfer of technology, while in USA में extension मतलब education को show करते हैं, okay? और अपने भारत में इसका transfer of technology होता है। An autonomous institute establishment at state level for providing consultancy in the project planning, appraisal, extension and management training, especially to the आत्मा फंक्शनरी। तो इसके लिए समिति जो इंस्टीट्यूट है सीएम टाइप से इसका है, स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एजेंसी, जो आत्मा की सारी एक्टिविटी को हैंडल करती है, उसकी ट्रेनिंग हो चाहे उसकी प्लानिंग हो चाहे उसका एक्सटेंशन प्रोग्राम हो, कुछ भी एनी प्रोग्राम को समिति जो संस्था है वही हैंडल करती है जो स्टेट लेवल पर कंस्टिट्यूट की गई है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, द फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन इज ए टीच पीपुल फर्स्ट हाउ टू थिंक, नो वाट टू थिंक, वाई टू थिंक, वेन टू थिंक, हाउ टू थिंक एंड वेन टू थिंक। ये दोनों फिलोसफी है जो पीपल लोगों को सिखाते हैं, कैसे सोचते हैं, कब सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेस्ट्री लिक्विडिटी रेशो SLRR इज फिक्स्ड बाय द RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the relationship among the price elasticity demand and marginal revenue and average revenue, तो इन तीनों में relationship क्या होती है, जो अपना elasticity of demand है, marginal revenue है और average revenue है, तो ED बराबर होता है AR over AR minus MR, AR average revenue को show कर रहा है, marginal revenue को MR show कर रहा है और elasticity of demand को ED show कर रहा है, okay। स्केल ऑफ फाइनेंस इज फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी से, स्केल जो फाइनेंस का जो स्केल होता है वो फिक्स किया जाता है। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन रिमेन इक्वल टू वन, पहली अवस्था में जो उत्पादन की इलास्टिसिटी होती है वो एक के बराबर होती है। इन पेरिसेबल कॉमोडिटी मार्केटेबल सरप्लस बराबर मार्केटेबल सरप्लस दोनों ही होता है पेरिसेबल कॉमोडिटी के लिए, यानी जल्दी सड़ने वाली वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एट जीरो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस इज टेकन विद द हेल्प ऑफ, ऐसा कौन सा निर्णय है जिसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस क्या उत्पाद करें, ये कौन सा नियम इसकी हेल्प करता है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल है ये इसकी हेल्प करता है।
अगला क्वेश्चन, नेट कैपिटल रेशो इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज ओवर टोटल असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इज 5%, इट इज टर्म्स एज वर्क, सॉरी नेट ऑफ इन्फ्लेशन नॉट इन्फिल्ट्रेशन, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5% इज टर्म एज वर्किंग इन्फ्लेशन, वर्किंग इन्फ्लेशन कहलाता है अगर इन्फ्लेशन की रेट 5% है तो। अगला क्वेश्चन, द ब्लैक कॉटन सॉइल्स ऑफ इंडिया आर डोमिनेंट बाई विच सॉइल ऑर्डर, वट इज सॉइल, इन लेटराइट सॉइल द सिलिका SiO2 ओब्लिक L2O3 का रेशो किस रेंज में होता है, तो लेस देन 2 रेंज में होता है। माउंट बोरोलिनाइट में कौन से तरह का क्ले मिनरल्स होता है, 2:1 होता है। द कॉम्प्रेहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज पॉपुलरली नोन एज 7th approximation, 7th approximation कॉम्प्रेहेंसिव क्लासिफिकेशन जो मिट्टी का है वो अपना 7वां approximation कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ के आयन टेक्स प्लेस इन सॉइल डोमिनेट बाई विच टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स, इलाइट के अंदर पोटास फिक्सेशन सबसे ज्यादा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एस ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया कौन सा, थियोबेसिलस। द एसेंशियलिटी क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रेंट्स वॉज गिवन बाई आर्नोनियो स्टाउट 1939। इन द एल्कली सॉइल एक्सचेंज सोडियम परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 15%। क्वेश्चन है अपना, इफ द सॉइल हैज मॉइस्चर कंटेंट एट 0.3 bar, सक्शन इज द 0.35 cm³ एट 15 सक्शन इज 0.11 cm, व्हाट इज द प्लांट अवेलेबल वाटर कंटेंट, प्लांट वाटर कंटेंट इज द, इफ द मॉइस्चर कंटेंट 0.3 bar एट 15 बार 0.11 cm, ठीक है, व्हाट इज द प्लांट अवेलेबल, मींस इट मींस आपका 0.3 bar पर इतना सेंक्शन है और 15 bar पर इतना सेंक्शन है, तो आपका जो दोनों का ऐड होता है ये, तो आपका 0.46 cm³/cm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉइल इज मीडियम इन अवेलेबल नाइट्रोजन देन सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट विच रेंज, अगर आपका नाइट्रोजन अवेलेबल है तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी मीडियम अवेलेबल ही रहता है, जो मीडियम की रेंज है 0.5 to 0.75। इन न्यूट्रेंट मॉइस्चर मीटर द सोर्स ऑफ हार्स्ट न्यूट्रेंट कॉमनली यूज्ड अमेरिसियम एंड बेरिलियम इज द करेक्ट आंसर। सॉइल टेक्सचर एनालिसिस बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द लॉ, सॉइल टेक्सचर का एनालिसिस स्टोक लॉ के आधार पर करते हैं। फ्रेंड्स, फिर से आपका वेलकम BLK एग्रीकल्चर चैनल में, बने रहिए, हम अगले पेपर में फिर से मिलते हैं आपके साथ, धन्यवाद।